गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. टुडे आई एम टेकिंग द चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स. गीतेश इज मतलब टोल्ड मी टू टेक द दिस चैप्टर. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड with the key concepts. What are the key concepts of this chapter? The first one is coalition government. Can you define the coalition government in your own language? What do you understand by coalition government? Coalition government is a government formed by the party which is in majority but is not eligible to form the government. So with the support of other governments, it makes an government which is set matlab eligible, which certifies the number of seats required in to form the government. Okay, you can say na ki having two or more political parties joined together is called the coalition government. Simple bhai, ek do ya do se party jab join karti hai alag different parties tab coalition government banti hai. Theek hai, तो आपको अगर ये मेजोरिटी, तो ऑब्वियसली कि आप मेजोरिटी के बिना तो कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकती, ये तो अंडरस्टूड है ही. पर कोलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? कोलिशन गवर्नमेंट में ये कि जब कोई पार्टी नहीं बनती, कोलिशन में तो ये है कि मतलब आप डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट रीजनल पार्टीज जब चाहती हैं कि हम गवर्नमेंट फॉर्म करें मेजोरिटी, बिना मेजोरिटी के तो चाहे आप कुछ भी हो, कोलिशन गवर्नमेंट हो तो भी नहीं बन सकती. तो कोलिशन गवर्नमेंट का सेम कॉन्सेप्ट ये है कि भाई दो या अधिक पार्टी अगर ज्वाइन करते हैं मेजोरिटी प्रूव करने के लिए या गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, दैट इज द कोलिशन गवर्नमेंट. ठीक है, अगर इसके हिसाब से देखें तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टीज टू विन अ वोटिंग गेम, ये कई बार तो अलायंसेस पहले भी बन जाते हैं. जैसे इलेक्शन डिक्लेयर हुए तो पहले से ही अपने एक अलायंस बना लेते हैं कि ठीक है हम सब मिलके लड़ाई, भले ही डिफरेंट आइडियोलॉजी हो, चाहे डिफरेंट सोच के हो, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हो, डिफरेंट स्ट्रेटजी के हो, डिफरेंट एजेंडा के, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कुछ भी हो, लेकिन वो पहले से एक अपने ये भी एक गेम की तरह ही है, वोटिंग गेम. वोटिंग गेम ये कि कैसे अलायंस बना के हम हमारे खुद की गवर्नमेंट फॉर्म करें. तो ये है कोलिशन पॉलिटिक्स मीन अ ब्रॉड अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू रन अ गवर्नमेंट. पॉलिटिकल ये आप इसको डिफाइन कर सकते हो एज अ वन मार्क में, अगर आप ये लिख सकते हो तो ठीक है. तो कोलिशन पॉलिटिक्स का मतलब है कि एक ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा ब्रॉड अरेंजमेंट जो दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में बनता है, एक अग्रीमेंट टाइप होता है कि ठीक है हम दोनों मिलके या तो इलेक्शन लड़ते हैं या फिर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. और ये काफी आप देख सकते हो पॉलिटिक्स में ना, काफी खरीद फरोख्त भी होती है. जैसे ना इवन जो मेंबर्स हैं उसमें कोई किडनैप करके वहां ले जा रहा है, किडनैप करके नहीं तो उनको सेपरेट रख रहा है, किसी से ना मिलने दे रहे हैं ना जुलने दे रहे हैं, ये पॉलिटिक्स में बहुत होता है. ठीक है, तो ये एक ब्रॉड अरेंजमेंट है, दो या दो से अधिक पार्टीज मिलके बनाती है टू रन अ गवर्नमेंट. द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ कोलिशन अराइजेस फ्रॉम लेजिस्लेशन रिक्वायर अ मेजोरिटी टू पास अ बिल. आप अगर ये आपको थोड़ा सा अगर क्वेश्चन बड़ा लिखना है तो आप इसमें ये कह सकते हो कि भाई लेजिस्लेशन में क्या जरूरत है, मेजोरिटी प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, चाहे बिल पास हो चाहे कुछ भी हो, सबके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक फिक्स्ड चीजें हैं, फिक्स्ड प्रोसीजर है, फिक्स्ड प्रोसेस है, उसके बिना ही नहीं हो सकता. तो कोलिशन अराइजेस जब लेजिस्लेशन को रिक्वायर होती है मेजोरिटी टू पास अ बिल, बिल पास करने के लिए, बट नो सिंगल पार्टी कंट्रोल एज मैनी एज हाफ ऑफ द सीट इन द असेंबली. लेकिन कोई भी सिंगल पार्टी मतलब जो असेंबली की सीट्स है हाफ ऑफ द सीट्स पे कंट्रोल नहीं कर सकती. मतलब जो चीजें हैं वो है, टू थर्ड मेजोरिटी से प्रूव करोगे तो आप बना सकते हो, अदरवाइज नहीं. अब रीजनल पार्टीज क्या होती हैं? रीजनल पार्टीज होती हैं
ऐसी पार्टीज जो वन पर्टिकुलर स्टेट और रीजन, जो सिर्फ एक रीजन से ही तक ही सीमित रहती है या एक पर्टिकुलर स्टेट तक ही रहती है। जैसे बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो नेशनल लेवल तक अपनी पहचान नहीं बना पाई हैं, तो वो रीजन लेवल पे ही रह जाती हैं, स्टेट लेवल पे रह जाती हैं, तो दैट इज द रीजनल पार्टीज। ये कुछ एथिक्स पे बेसिस होती हैं, ये सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी पे बेस्ड होती हैं, इसलिए इनको रीजनल पार्टीज। तो अगर एग्जाम्पल आता है तो तेलुगु देशम पार्टी या आम आदमी पार्टी, अब तो खैर नेशनल लेवल पे आ गई, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि वो दिल्ली में ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस है। अब है नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। हिंदुत्व जो सबसे पहले लाने वाली पार्टी थी, जो हिंदुत्व हिंदुत्व एक फिलोसफी कह लो, आइडियोलॉजी कह लो, उस पर बेस्ड है, तो वो कौन सी पार्टी थी? बीजेपी। बीजेपी ही ऐसी पार्टी थी। तो अ नंबर ऑफ इवेंट्स ट्रिगर्ड एंड द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इन अयोध्या इन दिसंबर 1992। बहुत सारे इवेंट्स ट्रिगर्ड हुए थे जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश की गई थी, उसको कोलैप्स किया गया था, उसको तोड़ा गया था। तो ये अयोध्या में थी बाबरी मस्जिद, दिसंबर 1992 में ये डिमोलिशन हुआ था। द इवेंट इंटेंसीफाइड द डिबेट अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ये इवेंट ऐसी थी जिसने इंटेंसीफाइड किया डिबेट्स को, अगर इंडियन नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म के बेसिस पे देखा जाए तो इसमें बहुत सारी डिबेट्स इसमें हुई, बहुत सारी डिबेट्स को इंटेंसीफाइड किया, बहुत डिस्कशंस हुए कि सेक्युलरिज्म कंट्री है, क्या ऐसा होना चाहिए, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे बहुत सारी डिबेट थी। तो दीज डेवलपमेंट एनकरेज द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। इस यहाँ पे क्या हुआ, हिंदुत्व जो है जो रिसेंटली डेवलप हुआ था, उसमें हिंदुत्व जो पॉलिटिक्स है उसको एनकरेज किया गया कि भाई उनका ये हिंदूज का ये दावा था कि हमारा पहले से ही अयोध्या, क्योंकि राम जी का जन्म है और राम जी का तो उस पर उसको डिमोलिश करके मस्जिद बनाई गई, तो हमारा तो ये तो रामलला का घर है, ये सब है। तो ये हिंदुत्व जो एक पॉलिटिक्स थी हिंदुत्व की, बीजेपी की, वो एनकरेज हुई इंडियन पॉलिटिकल एरिया में। नेक्स्ट जो इसमें आएगा मंडलाइजेशन, ये उसके रिजर्वेशन को लेके था, एससी एसटी जो बैकवर्ड क्लासेस है, कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि केवल जो ये रखा था बीआर अंबेडकर ने, उसमें ये था कि 10 ईयर्स के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो सप्रेस लोग हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए 10 ईयर्स तक रहेगा, फिर 10 ईयर बढ़ाना पड़ा। तो ये फिर मंडल जो कमीशन है वो अपॉइंट हुआ था, उसकी रिकमेंडेशन पे ये टेन्योर आगे एक्सटेंड हुआ था। वही मैं बता रही हूँ कि जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट है वीपी सिंह की, 1990 में इंप्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन, उन्होंने एक मंडल कमीशन अपॉइंट किया था और उनकी रिकमेंडेशन पे ये इंप्लीमेंट हुआ था। जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977 में ये अपॉइंट हुआ था कमीशन, दैट जॉब्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व फॉर द ओबीसी। इसमें ये था, इसमें प्रोविजन क्या था मंडल कमीशन में, कि जो जॉब्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है, उसमें कुछ सीट रिजर्व होनी चाहिए ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस आपको पता ही है, जो पर्सिपिटेटेड है प्रोटेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब इससे क्या हुआ, एक एक है ना डिफरेंट जो प्रोटेस्ट है पूरी कंट्री में इमर्ज हो गया। अब जो लोग थे वो कह रहे थे कि ये तो गलत है कि किस बेसिस पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रिजर्व कर दोगे, तो फिर जनरल के लिए क्या रह जाएगा। तो ये सारी चीजें पूरे पार्ट में ये इमर्ज हो गई थी। दिस डिस्प्यूट बिटवीन द एडवोकेट एंड ओपोनेंट्स ऑफ रिजर्वेशन वॉज नोन एज मंडल इश्यू। ये ही मंडल इश्यू है जो भी ये डिस्प्यूट हुआ। एक तो रिजर्वेशन के जो एडवोकेट जो सपोर्टर्स थे उनके बीच में, और जो ओपोनेंट्स थे रिजर्वेशन के खिलाफ थे, तो उनके बीच जो डिस्प्यूट हुआ दैट इज द मंडल इश्यू। कई बार पूछ लेते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मंडल इश्यू, तो मंडल इश्यू क्या था ये आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड यूज इन इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1989, ये 1989 से चला था ये मंडल इश्यू, ये जो भी चीजें चेंज हुई थी ये पहले भी बता चुकी हूँ। एनडीए, एनडीए क्या है, एक अलायंस है जो बीजेपी ने अपना बनाया हुआ है, जिसको अपन कह सकते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूपीए, ये बीजेपी क्या है अलायंस, और ये यूपीए का है। यूपीए इसमें लीडर जो पार्टी है कांग्रेस ने बनाया है अपने अलायंस 2004 में,
इसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइंस के नाम से जाना जाता है। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो एनडीए और यूपीए ये दो ही अलाइंसेज हैं जो मेजरली बने हैं, ठीक है। फिर और भी है, यूनाइटेड फ्रंट है, ये जनता दल के द्वारा बना हुआ है 1996 में। अदर बैकवर्ड कास्ट है ये, आपने ये बाद में जब दलित वलित के लिए ये काशीराम वगैरह ने इन्होंने पार्टी फॉर्म की थी दलित वोट के बेसिस पे, तो वो अलग चीज है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज मेंट बाय कोलिशन। तो व्हेन नो पार्टी गेन्स द नेसेसरी मेजोरिटी इन द इलेक्शन, ठीक है, इसको इसी तरीके से जब कोई सी भी पार्टी को मेजोरिटी इलेक्शन में नहीं मिलती तो टू और मोर पार्टीज टुगेदर जॉइन टू फॉर्म ए, जब दो और दो से ज्यादा पार्टीज आपस में मिल जाती है टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो इट इज नोन एज कोलिशन। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इज कोलिशन पॉलिटिक्स अ नेसेसिटी इन इंडिया, क्या जरूरी है कोलिशन पॉलिटिक्स। तो सिंस 1989 से क्या हुआ था, किसी भी सिंगल पार्टी को सिंगल हैंडेड जो सेंटर में थी उसको किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली थी, है ना। दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ द, इससे कोलिशन एरा स्टार्ट हुआ था इंडियन पॉलिटिक्स में। जब कोई भी लार्जेस्ट पार्टी एक अलग चीज होती है, कि कांग्रेस आई या बीजेपी आई, एक लार्जेस्ट पार्टी होना अलग चीज है, एक मेजोरिटी प्रूव करना, उनके पास थी नहीं इतनी कि मेजोरिटी प्रूव करें। तो यहाँ से कोलिशन जो एरा आप बोल सकते हो इंडियन पॉलिटिक्स में स्टार्ट हुआ था सिंस 1989, उसके बाद काफी साल तक ये रहा था, ठीक है। तो नेसेसिटी इसलिए थी कि अगर मान लीजिए कोलिशन नहीं आता तो क्या होता, क्या बार बार री इलेक्शन ही होते रहते, फिर इलेक्शन। तो ये कोलिशन बहुत इम्पोर्टेंट माना गया इंडियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ रही थी, तो इसलिए नेसेसिटी है। सेकेंड है, द कोलिशन आर बेस्ड ऑन स्किलफुल हैंडलिंग ऑफ डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंट रादर देन इम्प्लीमेंटिंग नेशनल आइडियोलॉजी। अब क्या है, हर पार्टी की अपनी एक नेशनल आइडियोलॉजी होती है, अपनी अलग एक पॉलिसीज होती हैं, अलग उनका कॉन्सेप्ट होता है। तो एक ये कोलिशन क्या है, ये स्किलफुल हैंडलिंग था कि इतनी डाइवर्स जो पार्टीज हैं उनको एक में करना, ये भी एक बहुत स्किलफुल हैंडलिंग था कि आप उन पार्टी जहाँ से आपकी कोई विचार नहीं मिलते, कहीं ओपिनियन नहीं मिलते, कोई चीज़ें नहीं मिलती, उसको साथ में लेके गवर्नमेंट रन करना, तो इतना इजी बात नहीं था। ये किसकी थी, स्किलफुल हैंडलिंग की बात थी कि जो डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंट हुए, कि भाई नेशनल आइडियोलॉजी को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा कि इसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये क्या हो सकता है, ये नहीं, बस डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूट उन्होंने स्किलफुल हैंडलिंग की, इससे कोलिशन गवर्नमेंट बनी। कोलिशन पॉलिटिक्स इज अ चैलेंज इन विच पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज और प्रिंसिपल वर्क विद इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। कोलिशन पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसमें डिफरेंट आइडियोलॉजीज के थे, जिसमें कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट प्रिंसिपल्स, वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक साथ आके काम करना, दैट इज द ग्रेट थिंग, दैट इज द चैलेंजिंग, चैलेंजिंग अभी भी है, दैट तभी भी चैलेंजिंग था, तो बहुत चैलेंजिंग है कि आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज के एक साथ मिलके आप गवर्नमेंट रन करते हो। हो सकता है कि आप किसी जो भी आप पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हो, आप दूसरी जो आपने अलाइंस बनाई है वो आपको मतलब सपोर्ट ना करे, या कहीं हद तक सपोर्ट करे, तो कुछ तो डिमांड हो गई ना जुड़ने का, कुछ तो रीजन हो गई ना। पर ये डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर वैसे देखा जाए, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत अच्छे डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती है, तो एक दूसरे को अपोज कर सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ये पॉलिसी नहीं जानी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो काफी ठीक भी है। खैर, बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्या ये जरूरी है, तो हाँ, कोलिशन पॉलिटिक्स अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, क्या वापस में इलेक्शन इलेक्शन ही होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हिंदुत्व लिटरली मीन। अब पूछा जाता है कि हिंदुत्व का मतलब क्या होता है, हिंदू का मतलब है हिंदूनेस, हिंदुओं का राज, है ना, एज डिफाइंड इट्स ओरिजिनेटर वी डी सावरकर। ये देखो
इम्पोर्टेंट है कि हिंदुत्व के ओरिजिनेटर कौन है, तो आप ये याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, वीडी सावरकर थे। इट इज द बेसिस ऑफ इंडियन नेशनहुड वेयर पीपल वर टू एक्सेप्ट इंडिया नॉट ओनली एज द फादर लैंड और पितृभूमि, जिसे कह सकते हैं इसमें पितृभूमि, बट ऑल्सो देयर पुण्य भूमि, पुण्य भू, पितृभूमि, पितृभू और पुण्य भू, ये हो गया भूमि, अपने आप जोड़ लेना, और होली लैंड। तो जो ये था इंडियन नेशनहुड पे बेसिस था, जहाँ पे लोग एक्सेप्ट करते हैं इंडिया को एक फादर लैंड की तरह, कि इंडिया क्या है, एक फादर लैंड है और पितृभूमि है जहाँ पे हमारे लोग रहते हैं, और एक पुण्य भूमि है, एक होली लैंड है। जैसे आप NRIs भी हैं यहाँ, अगर इंडिया से एसोसिएटेड हैं और वो बहुत सालों से रहेंगे, कहीं ना कहीं उनके सेंटीमेंट्स अभी भी इंडिया के पास रहते हैं, क्योंकि इंडिया को वो क्या मानते हैं, फादर लैंड। तो वैसे ये हिंदुओं का क्या, ये एक फादर लैंड है, पुण्य भूमि, पितृभूमि, जहाँ पे उनके इंसेस्टर्स रह रहे हैं, और इमोशंस तो अपने आप जुड़ी जाते हैं, तो ये इसका फायदा उठाया। अकॉर्डिंग टू द बिलीवर्स ऑफ हिंदुत्व, अ स्ट्रॉन्ग नेशन कुड बी बिल्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफाइड नेशनलिस्टिक कल्चर, एंड नॉट ओनली इंडियन हिंदू कल्चर कुड प्रोवाइड दिस बेस। तो अगर जो बिलीवर्स थे हिंदुत्व के, जो बिलीवर्स थे जो हिंदू धर्म को मानते थे, उन्होंने कहा कि ए स्ट्रॉन्ग नेशन कुड बी बिल्ट, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकता है स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड नेशनलिस्ट कल्चर के बेसिस पे, कि कोई यूनिफाइड कल्चर हो, कोई स्पेसिफिक ऐसी कल्चर हो जिसके बेसिस पे नेशन बनाया जा सकता है, ठीक है। ओनली इंडिया कल्चर कुड प्रोवाइड दिस बेस। तो हमारे इंडियन हिंदू कल्चर जो हमारे सदियों से सनातन धर्म या कुछ भी कह रहे हो चलता जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग नेशन अगर बिल्डिंग चाहिए तो आपको कुछ अपनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कल्चर होने चाहिए, कुछ स्पेसिफिक यूनिफाइड नेशनलिस्टिक आइडियाज होने चाहिए, तब स्ट्रॉन्ग नेशन बनेगा। ये कौन मानते थे, हिंदुत्व वाले, जो हिंदुत्व के समर्थक थे वो ये मानते थे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी टू मेजर डेवलपमेंट दैट गिव राइज टू बीजेपी पार्टी एज ए हिंदुत्व पार्टी। ऐसे कोई मैम ये एक और बता, ये हिंदुत्व वाला एक और बार बता, पितृभू। हाँ देख, हिंदुत्व का मतलब तो समझ में आ गया ना, क्या होता है हिंदूनेस, ठीक है, इसके ओरिजिनेटर वो थे। तो लोगों ने मतलब वीर सावरकर, इट इज द बेसिस ऑफ इंडियन नेशनहुड, ये जो हिंदुत्व नेशनहुड पे बेसिस था, जहाँ पे लोग इंडिया को एक फादर लैंड की तरह एक्सेप्ट करते हैं, पापा का घर, समझ गए। फादर लैंड का मतलब आप जाते हो कहीं, तो ऑब्वियसली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में तो फादर का ही होता है बेसिकली, कि पापा के घर जा रहे हैं, पापा का ये है, पापा का। तो फादर लैंड की तरह एक्सेप्ट किया इंडिया को, जिस पितृभूमि, भू पितृभू इसमें आ जाए, पितृभूमि मतलब पितृ का मतलब है हमारे पापा के पापा के पापा, पितृभूमि और पुण्य भूमि, जहाँ पे पुण्य मतलब ऑब्वियसली जहाँ हमारा घर, पुण्य घर, पुण्य जन्म ये सब मानते हैं, तो पुण्य भूमि इसमें अधूरा देता है, होली लैंड। कुल मिला के हमारे सेंटीमेंट्स भी उससे जुड़ जाते हैं, अपने फादर के घर से, या जैसे कोई भी, जैसे मैंने बताया ना NRIs चले गए इंडिया से, चले गए, शायद आना भी नहीं है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सेंटीमेंट्स अभी तक इंडिया से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए, क्योंकि वो इंडिया को क्या मानते हैं, एक फादर लैंड, कि भाई ओरिजिनेट तो हम वहीं से है ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स तो रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बिलीवर्स, जो हिंदुत्व के बिलीवर्स थे, वो ये मानते थे कि स्ट्रॉन्ग नेशन अगर बनाना है, किसी भी नेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसमें यूनिफाइड नेशनलिस्टिक कल्चर होनी चाहिए, उनकी एक स्पेसिफिक कल्चर, कल्चर के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग नेशन बनाया जा सकता है। और इंडिया में क्या थी बेसिक, आप देखोगे तो 74% तो हिंदूज है ही, तो कल्चर किसकी स्ट्रॉन्ग है, हिंदूज की। तो ये कहते थे कि उनको बेस देना, हिंदू कल्चर के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग नेशन क्रिएट किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकता है, ये है, ये हिंदुत्व है। इसी को बीजेपी ने, इसी को मतलब
अपने फोर फ्रंट पे लेके सारी चीजें उन्होंने इलेक्शन विलेक्शन जो जीते थे तब इसी बेस बेसिस पे देख जीते थे। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है गितेश? नो क्लियर? यस अब है, डिस्क्राइब एनी टू मेजर डेवलपमेंट दैट गेव राइज टू बीजेपी पार्टी एज ए हिंदुत्व पार्टी। टू मेजर डेवलपमेंट बताना है जिसने बीजेपी को राइज दिया, हिंदुत्व पार्टी जो कि मानी जाती है हिंदुत्व पार्टी को। तो फर्स्ट था, ये दो एग्जाम्पल है, शाह बानो केस। ठीक है, आप इसको मैं बहुत डिस्क्राइब कर चुकी थी, आप समझा सकते हैं कि क्या है ये? हम इसमें एक मुस्लिम वुमेन थी जो डाइवोर्स चाह रही थी उसके हस्बैंड से, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए उसके अकॉर्डिंग उसके हस्बैंड को उसे कुछ पेनल्टीज फाइन करनी पड़ी थी, जिससे कि मुस्लिम्स, कई मुस्लिम्स ने ये कहा था कि ये हमारे रिलीजन के अगेंस्ट जाता है, ये हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं। बिल्कुल सही था। तो शाह बानो केस 1985 में इमर्ज हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैंड किया था मेंटेनेंस, है ना, मेंटेनेंस ग्रैंड मतलब एक्स हस्बैंड से आप मनी मतलब भरण पोषण जिसे आप बोल सकते हो हिंदी में, तो मेंटेनेंस ग्रैंड किया था टू ए मुस्लिम, एक मुस्लिम विमेन को जिसको डिवोर्स हो गया था अपने हस्बैंड से। ये क्या हो गया था, ये कंट्रोवर्शियल हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था अपना, और जो धर्म गुरु थे वो नहीं मानते थे कि वो कौन होते हैं, मुस्लिम्स के अपने लॉ होते हैं, अपने उनका धर्म चलता है, उनके अपने फतवे चलते हैं, अपनी चीजें चलती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, ये कंट्रोवर्शियल, काफी कंट्रोवर्शियल हो गया था, बिकॉज इट वॉज अपोज बाय ऑर्थोडॉक्स, जो ऑर्थोडॉक्स थे मुस्लिम, ना कंजर्वेटिव जो पुराने विचार रूढ़िवादी, उनके द्वारा ये अपोज किया गया था। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स के द्वारा, ऑन द ग्राउंड दैट इट इंटरफेयरिंग विद द मुस्लिम पर्सनल लॉ। वो ये मानते थे कि ये हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है। सुप्रीम कोर्ट कैसे जजमेंट दे दिया, ये तो हमारे जो मुस्लिम लॉ है उसके अगेंस्ट है। तो ऑन डिमांड फ्रॉम सेवरल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड पे इंडियन गवर्नमेंट पास द मुस्लिम विमेन, इंडियन गवर्नमेंट ने एक मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986 में पास किया था, विच डिक्लेयर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एज वॉइड। उसमें ये कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो वॉइड है, वो ठीक है, वो गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने सबको किया था। तो दिस एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज अपोज एज एन अननेसेसरी कंसेशन एंड अपीसमेंट ऑफ द माइनॉरिटी सॉरी कम्युनिटी। सो स्टूडेंट, सेकेंड राइज अप वॉज अयोध्या डिस्प्यूट। क्लियर? तो डिस्प्यूट ओवर द बाबरी मस्जिद एट अयोध्या हैड बीन गोइंग ऑन सिंस लॉन्ग। ये बाबरी मस्जिद का जो ये डिस्प्यूट था बहुत लंबा चला था। इसको मैं दोबारा से रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत क्लियर हो जाए, कई बार ये बहुत करंट क्वेश्चन भी है, अभी चीजें डेवलप भी हुई हैं तो ये आ सकता है, मतलब इट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो इट केम इन टू फोर फ्रंट वेन द फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये कब फोर फ्रंट में आया, जब फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने के जज ने ये मतलब वर्डिक्ट दे दिया था, ये ऑर्डर कर दिया था कि बाबरी मस्जिद प्रिमाइसिस मतलब मस्ट बी अनलॉक्ड, वो अनलॉक होना चाहिए, सो दैट द हिंदूज कुड ऑफर प्रेयर एट द राम जन्मभूमि, ताकि जो हिंदूज हैं वो भी राम जन्मभूमि में अपनी प्रेयर ऑफर कर सकें, क्योंकि हिंदूज का बेसिकली सेंटीमेंट वहाँ से जुड़ा हुआ है। उनका मानना ये कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ था, जैसे कि हमने हमारी होली बुक रामायण वगैरह में भी पढ़ा है। तो वहाँ के जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो जज थे उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया था कि ये जो हिंदूज हैं ये वहाँ जाके राम जन्मभूमि में अपनी प्रेयर ऑफर कर सकते हैं। अ टेम्पल इन द सेम प्रिमाइसिस विच हिंदू बिलीव वॉज डिस्ट्रॉयड बाई मीर बाकी द मुगल एम्परर। ये माना गया था कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां पे टेम्पल हुआ करता था, जो कि मीर बाकी जो मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्परर था, बाबर का जनरल था, उसने ये डिस्ट्रॉय करके वहां पे मॉस्क्यू बनाई थी, बाबरी मस्जिद सेटअप की थी। तो दिस डिस्प्यूट टुक अप ए सीरियस टर्न, ये जो डिस्प्यूट है इसने सीरियस टर्न लिया 1986 में, व्हेन द कोर्ट डिसीजन केम। जब कोर्ट का डिसीजन आया तो ये सीरियस डिस्प्यूट बहुत मतलब कहते हैं ना एक्सप्लोसिव फॉर्म में आ चुका था,
सो द बीजेपी पार्टी मेड दिस इश्यू अ मेजर इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्लैंक. अब बीजेपी ने इस चीज को क्या किया, फायदा उठाया और इसको पॉलिटिकल प्लैंक बना दिया है ना, इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्लैंक बन गया. एंड ट्राई टू मोबिलाइज सपोर्ट अमंग द हिंदूज, और उन्होंने कोशिश की हिंदूज के सपोर्ट को गेन करने की विद द हेल्प ऑफ RSS एंड VHP, जिसमें विश्व हिंदू परिषद RSS वाले की हेल्प से उन्होंने. द मॉस्क्यू इज डिमोलिशन मेड द सिचुएशन टेंस. अब जब मॉस्क्यू डिमोलिश हुई, उसके डिमोलिशन के साथ ही क्या हुआ, टेंस सिचुएशंस अराइज हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो गए, लीडिंग टू क्लैशेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज. अब टू कम्युनिटीज के बीच में, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में क्लैशेस, मतलब बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स, क्लैशेस, केओस इमर्ज हो गया. तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इज व्हेन डिड एरा ऑफ कॉलिशन पॉलिटिक्स बिगिन. दिस द फोर ग्रुप व्हिच इमर्ज इन 1990s. वील कंटिन्यू टुमारो. यू हैव टू लर्न सम important terms in the tips only. So till then, take care. We'll continue tomorrow. Bye.